राजस्थान पुलिस प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अलवर आ रही सर्व समाज की महिला अभ्यर्थियों के लिए युवा ब्राह्मण सभा परिवार व मिशन डिफेंस एकेडमी के संयुक्त तत्वाधान में निशुल्क आवास व भोजन की व्यवस्था की गई है। युवा ब्राह्मण सभा परिवार व मिशन डिफेंस एकेडमी के सदस्यों की बैठक आयोजित हुई, जिसमें ब्राह्मण समाज के युवा अध्यक्ष आकाश मिश्रा ने बताया कि प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा की तरह आगामी 13 से 16 मई को आयोजित होने वाली राजस्थान पुलिस की परीक्षा में भी विभिन्न जिलों से अलवर आने वाले सर्व समाज की महिला अभ्यर्थियों के लिए ठहरने व भोजन की निःशुल्क व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया। सभा प्रवक्ता शिवचरण कमल ने बताया, भीषण गर्मी को ध्यान में रखते हुए इस बार महिला अभ्यर्थियों के लिए ही ठहरने व निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की गई है, जिससे महिलाओं को किसी प्रकार की समस्या न आए। मिशन डिफेंस एकेडमी के जगराम पहलवान ने बताया, दूर दराज के क्षेत्र से आने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवास ढूंढने में परेशानी होती है, इसलिए कार्यकर्ताओं द्वारा सभी के निःशुल्क आवास व ठहरने की व्यवस्था की गई है, जिसके लिए मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से 13 मई तक रजिस्ट्रेशन करवाने का आह्वान अभ्यर्थियों से किया गया है। युवा ब्राह्मण परिवार के सदस्य डॉक्टर विनोद शर्मा ने बताया, इस दौरान हेल्पलाइन बनाई है जो अलवर शहर सहित पूरे जिले में अभ्यर्थियों को परीक्षा स्थल के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाएगी। अभ्यर्थी हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर परीक्षा स्थल की जानकारी ले सकते हैं। निःशुल्क ठहरने व भोजन की व्यवस्था सिर्फ महिला अभ्यर्थियों के लिए ही की गई है। हर प्रतियोगिता परीक्षा की भांति आगामी 13 से 16 मई तक आयोजित होने वाली राजस्थान पुलिस की प्रतियोगिता परीक्षा में विभिन्न जिलों से अलवर में पधार रहे अभ्यर्थियों के लिए युवा ब्राह्मण सभा परिवार एवं मिशन डिफेंस अकेडमी के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क आवास एवं भोजन की व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था युवा ब्राह्मण सभा परिवार एवं मिशन डिफेंस एकेडमी जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा होती है उन सभी के लिए आयोजित करता है। हमारा यह उद्देश्य रहता है कि विभिन्न जिलों से जो अभ्यर्थी आ रहे हैं उन्हें किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हो और निःशुल्क वो यहाँ पर हमारे जो द्वारा जो व्यवस्था की गई है उसमें रुके, उसका लाभ उठाएं एवं भोजन भी प्राप्त करें। और हमारा ये उद्देश्य रहता है कि अभ्यर्थियों को भटकना नहीं पड़े, इसके लिए हमने एक हेल्पलाइन जारी करी है, इसको मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से हमने जारी किया है, जिसके तहत किसी भी अभ्यर्थी को यदि अलवर के अंदर किसी भी सेंटर के बारे में जानकारी लेनी हो तो भी वहां पर वो फोन करके हमसे जानकारी प्राप्त कर सकता है, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे जानकारी प्राप्त कर सकता है। इसके साथ ही साथ यदि जो भी अभ्यर्थी अलवर में आ रहा है वो सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से हमने जो संपर्क सूत्र जारी करे हैं उस पर फोन करें, अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और हमारे पास आए, उन सभी के लिए हमने निःशुल्क भोजन एवं ठहरने की व्यवस्था की गई है।